बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ब्रीफ में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी डिफरेंट टाइप्स के जो ओवरकरंट रिलेज होती है, जैसे IDMD रिले, तो इनके बारे में भी और भी बहुत सारी रिलेज होती है, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ ओवरकरंट रिलेज के बारे में, देन फिर हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे और फिर इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स की जो ओवरकरंट रिलेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक रिले जो तब ऑपरेट होती है जब उसका करंट एक्सीड हो जाता है, एक्सीड या फिर बढ़ जाता है सेटिंग वैल्यू या फिर एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू से, तब जो रिले ऑपरेट होती है हम उन रिलेज को ओवर करंट रिलेज कहते हैं। ओवर करंट प्रोटेक्शन या फिर जो ओवर करंट रिलेज हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स को डिफरेंट फॉल्ट से प्रोटेक्ट करती हैं। डिफरेंट फॉल्ट जैसे कि ग्राउंड फॉल्ट या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से जो एक्सेसिव करंट कॉज होता है उस फॉल्ट से भी ओवर करंट रिलेज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करती हैं। और भी कई सारे फॉल्ट्स हैं जिनसे कि ये रिलेज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ओवर करंट रिलेज में जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी होती है वो सिर्फ करंट होती है। करंट इज़ दी ओनली एक्चुएटिंग क्वांटिटी इन ओवर करंट रिलेज। और सिर्फ एक करंट ऑपरेटेड एलिमेंट होता है इन रिलेज में, और कोई भी वोल्टेज कॉइल रिक्वायर्ड नहीं होती है इन प्रोटेक्टिव रिलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो अब मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताती हूँ ओवर करंट रिलेज की। इसको मैं आपको फिर आगे एक डायग्राम की हेल्प से ही बताऊँगी जब मैं डिफरेंट टाइप्स की ओवर करंट रिलेज आपको एक्सप्लेन करूँगी तब। तो ओवर करंट रिलेज में क्या होता है, एक करंट कॉइल होती है, ठीक है। जब नॉर्मल करंट फ्लो करेगा इस कॉइल के थ्रू तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा जो कि इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि वो जो रिलेज का मूविंग एलिमेंट है उसको मूव करा सके, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कम है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होगी कि जो रिले का मूविंग एलिमेंट है उसको मूव करा सके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रीस्ट्रेनिंग फोर्स वो ज़्यादा होगा डिफ्लेक्टिंग फोर्स से। लेकिन जब करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है इस कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो बढ़ जाएगा, जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ करंट जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, इस कॉइल की मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा है वो बढ़ जाएगा रीस्ट्रेनिंग फोर्स से। मतलब अब डिफ्लेक्टिंग फोर्स बढ़ गया है रीस्ट्रेनिंग फोर्स से। तो इस कंडीशन में जो मूविंग एलिमेंट है रिले का वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और जो कॉन्टैक्ट पोजीशन है रिले की वो चेंज हो जाएगी। तो मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया है ओवर करंट रिलेज का। डिफरेंट टाइप्स की ओवर करंट रिलेज होती हैं, लेकिन जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है इन रिलेज का वो लगभग हर एक रिले का वो सेम ही होता है, मतलब इज़ मोर और लेस सेम फॉर ऑल। तो अब हम टाइप्स ऑफ ओवर करंट रिलेज देखते हैं। तो ये वेरियस टाइप्स की ओवर करंट रिलेज हैं जो कि डिपेंड करती हैं अपॉन टाइम ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट वाली है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, सेकंड है डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले, थर्ड है इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले, और ये जो थर्ड वाली है ये फर्दर सब डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में। इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिलेज मतलब IDMT रिलेज, सेकंड है वेरी इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिलेज, और थर्ड है एक्सट्रीमली इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिलेज। तो मैं आपको वन बाय वन ये सारी प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले मैं आपको इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले के बारे में बता देती हूँ। ये डायग्राम है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले का। इसकी जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले की वो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक कोर जो है वो वाउंड होती है करंट कॉइल से। ये करंट कॉइल है, ये रीस्ट्रेनिंग स्प्रिंग है, ये नो कॉन्टैक्ट्स है, और ये इनपुट आ रही है करंट ट्रांसफॉर्मर से। तो जब करंट सफिशिएंट नहीं होता है कॉइल में तो ये जो नो कॉन्टैक्ट्स हैं ये ओपन रहेंगे, लेकिन जब करंट कॉइल के अंदर जो करंट है वो एक प्रीसेट वैल्यू को क्रॉस कर जाता है या फिर एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू को क्रॉस कर जाता है तो होगा क्या, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इतने इनफ होंगे कि आयरन पीसेस को अपने तरफ खींच सके। मतलब द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम्स इनफ टू पुल द आयरन पीस टूवर्ड्स द मैग्नेटिक कोर की तरफ खींचने के लिए। और इससे होगा क्या, ये जो नो कॉन्टैक्ट्स हैं ये क्लोज हो जाएंगे। तो हम इसमें रेफ़र करते हैं प्रीसेट वैल्यू जो होती है करंट की रिले कॉइल में, उसको हम पिकअप सेटिंग करंट रेफ़र करते हैं, ठीक है। और जो रिले है वो ऑपरेट होती है जितनी जल्दी हो सके, मतलब जैसे ही पिकअप सेटिंग करंट से कॉइल का जो करंट है वो ज़्यादा हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके रिले जो है ऑपरेट करती है। कोई भी इंटेंशनल टाइम डिले अप्लाई नहीं होता है, लेकिन हमेशा एक इनहेरेंट टाइम डिले होता है विच वी कैन नॉट अवॉइड प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकली हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और प्रैक्टिस में क्या होता है, ऑपरेटिंग टाइम जो है इंस्टेंटेनियस रिले का वो फ्यू मिली सेकेंड्स का होता है। डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिलेज में क्या होता है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए ऑपरेशन के लिए या फिर ट्रिपिंग के लिए।
पहली कंडीशन ये है कि करंट जो है वो एक्सीड होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए सेटिंग वैल्यू से। और दूसरी कंडीशन ये है कि फॉल्ट जो है वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, एटलीस्ट अ टाइम इक्वल टू टाइम सेटिंग ऑफ द रिले। मॉडर्न रिलेज जो है वो कंटेन करती हैं मोर देन वन स्टेज ऑफ प्रोटेक्शन, और हर एक स्टेज इंक्लूड करता है ईच ऑन करंट एंड टाइम सेटिंग। ऑपरेशन के लिए डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले के ऑपरेशन के लिए ऑपरेटिंग टाइम जो है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और इसका जो ऑपरेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है करंट के मैग्नीट्यूड से अबव द पिकअप वैल्यू। और इसके पास पिकअप वैल्यू पिकअप होता है और टाइम डायल सेटिंग्स होती है डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिलेज में, और डिजायर्ड टाइम डिले जो है वो हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंटेंशनल टाइम डिले मैकेनिज्म, और ये इजी टू कोऑर्डिनेट होता है। अब हम इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले के बारे में समझते हैं। ये रिले सिर्फ तभी ऑपरेट होती है जब मैग्नीट्यूड जो है इसकी ऑपरेटिंग करंट का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जाइज क्वांटिटीज। ऑपरेटिंग टाइम जो है इस रिले का वो डिक्रीज होता है, ऑपरेटिंग टाइम डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन करंट। ऑपरेशन जो है इस रिले की वो टोटली डिपेंड करती है ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, करंट का जो मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करती है इस रिले की ऑपरेशन। और रिले जो है ये वाली ये ऑपरेट हो, ये तब ऑपरेट नहीं होगी जब वैल्यू जो है करंट की वो कम हो पिकअप वैल्यू से, और ये रिले यूज होती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। अब IDMT रिले के बारे में समझते हैं। IDMT मतलब इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। ये रिले जो है ये प्रोटेक्शन रिलेज है, और ये यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स में ये देखने के लिए कि लाइन करंट जो है वो एक्सीड ना कर जाए एक सेफ वैल्यू को, मतलब सेफ वैल्यूज़ को एक्सीड ना कर जाए। और अगर लाइन करंट जो है वो एक्सीड कर जाती है सेफ वैल्यूज़ को तो होता क्या है, ये ट्रिगर कर देती है सर्किट ब्रेकर को। इसीलिए हम इस रिले को इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम या ओवर करंट रिले कहते हैं, या फिर IDMT रिलेज कहते हैं। इन्वर्स का क्या मतलब है, हायर द करंट वैल्यू लेसर द टाइम टेकन फॉर द रिले टू ट्रिप द सर्किट, मतलब जितनी ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी उतना ही कम टाइम ये रिले लेगी सर्किट को ट्रिप करने के लिए। तो इस रिले में क्या होता है, टाइम डिले सेटिंग को एडजस्ट करके हम इस रिले का ऑपरेटिंग टाइम मेंटेन कर सकते हैं। IDMT रिले जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर का यूज़ करती हैं, और ये इसीलिए यूज़ करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर का क्योंकि ये इजीली सैचुरेट हो जाती है, मतलब इट कैन इजीली सैचुरेट फॉर द करंट हैविंग लार्जर मैग्नीट्यूड देन पिकअप करंट, मतलब ये उन करंट्स के लिए इजीली सैचुरेट हो जाती है जिन करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है पिकअप करंट से। वेरी इन्वर्स ओवर करंट रिलेज जो होती हैं ये ज़्यादा इन्वर्स करेक्टरिस्टिक्स देती हैं IDMT रिलेज से, और ये यूज़ होती हैं फीडर्स में और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स पर ये यूज़ होती हैं, और ये यूज़ होते हैं वहाँ पर जहाँ पे फॉल्ट करंट में रिडक्शन हो। किसकी वजह से रिडक्शन हो, सोर्स से डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से। और सुइटेबल होती हैं अगर सब्सटेंशियल रिडक्शन हो फॉल्ट करंट में एज द फॉल्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पावर सोर्स इंक्रीजेस। वेरी इन्वर्स ओवर करंट रिलेज जो है ये पर्टिकुलरली सुइटेबल हैं अगर शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो ड्रॉप हो जाए रैपिडली विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सबस्टेशन, मतलब सबस्टेशन से डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से। वेरी इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिलेज ये यूज़ होती हैं तब जब फॉल्ट करंट डिपेंडेंट होता है फॉल्ट लोकेशन पर। ये जो रिलेज है ये तभी यूज़ होती है जब फॉल्ट करंट डिपेंडेंट हो फॉल्ट लोकेशन पर, और ये तब यूज़ होती हैं जब फॉल्ट करंट इंडिपेंडेंट हो ऑफ नॉर्मल चेंजेस इन जनरेटिंग कैपेसिटी। जनरेटिंग कैपेसिटी में होने वाली नॉर्मल चेंजेस से फॉल्ट करंट जब इंडिपेंडेंट हो तब ये रिलेज यूज़ होती हैं। एक्सट्रीमली इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिलेज, ये जो रिलेज हैं इनकी करेक्टरिस्टिक टाइम इन रिलेज का वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें IDMT रिलेज और वेरी इन्वर्स टाइम रिलेज से, तो उनके कंपैरिजन में एक्सट्रीमली इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिलेज का करेक्टरिस्टिक टाइम एक्सट्रीमली लार्ज होता है। ये जो रिले है ये यूज़ होती है केबल्स को, ट्रांसफॉर्मर्स को, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस रिले में क्या होता है ये ऑपरेट कर सकती है इंस्टेंटली अगर पिकअप वैल्यू करंट की वो ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा हो किससे, रिले सेटिंग टाइम से। तो ये जो रिले है ये इंस्टेंटली वर्क कर सकती है, इंस्टेंटली ऑपरेट कर सकती है। ये रिले जो है ये प्रोवाइड करती है फास्टर ऑपरेशन, मतलब फॉल्ट करंट की कंडीशन में भी ये रिले फास्टर ऑपरेशन प्रोवाइड करती है, और यूज़ होती है सेंस करने के लिए ओवर मशीन्स की जो ओवर हीटिंग हो जाती है उसको सेंस करने के लिए ये रिले यूज़ होती है। इन्वर्स टाइम रिले यूज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में और पावर प्लांट्स में। ये रिले क्या देती है, फास्ट ऑपरेशंस देती है फॉल्ट कंडीशंस में बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट टाइम। तो इस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको ओवरकरंट रिलेज के बारे में समझाया, ब्रीफ में एक्सप्लेन किया, और डिफरेंट टाइप्स की जो ओवरकरंट रिलेज होती है उनके बारे में मैंने आपको बताया।
सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आपको अपने किसी रिलेवेंट टॉपिक पर फर्दर वीडियोज चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, कुछ वीडियो से रिलेटेड मैंने पोस्ट डाले हैं जिनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो आप जाओ व्यू करो और सजेशंस दो मुझे. थैंक यू वेरी मच.